हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग रूट में तो फ्रेंड्स जो हमें प्लस्तर की मोटाई है वो कितनी रखनी चाहिए मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा और साथ ही फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें जो स्लैब में अपनी जो छत में प्लस्तर की मोटाई वो कितनी रखनी है क्योंकि फ्रेंड्स ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है अपने घर बनवाते समय इससे आप अपने घर में पैसों की बहुत सारी बचत भी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि आपको अपने घर में प्लस्तर की जो मोटाई है वो कितनी रखनी चाहिए और प्लस्तर हमें किस रेशो का करना चाहिए तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि तो फ्रेंड्स मैं इसी प्रकार हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमें जो घर के अंदर वाली साइड है इनर साइड वहां पर जो प्लस्तर की मोटाई है वो कितनी रखनी चाहिए कितना मोटा हमें प्लस्तर करना चाहिए तो फ्रेंड्स आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारे घर के अंदर वाली साइड होती है वहां पर वैदर का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता तो फ्रेंड्स इसी को देखते हुए जो घर के अंदर वाली साइड है उसकी प्लस्तर की मोटाई बाहर के मुकाबले कम होती है जो हमारी अंदर वाली प्लस्तर की मोटाई होती है उसे हम बारह एम रख सकते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स हम वन का सीमेंट मोटर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ज़्यादा वेदर का इफेक्ट भी नहीं पड़ता इसलिए इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी कम रखी जाती है और इसका जो रेशो है वो भी थोड़ा बढ़ा के रखा जाता है इससे आपकी पैसों की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है और फ्रेंड इसके मुकाबले बात करते हैं हमारी जो बाहरी वाली साइड होती है एक्सटर्नल साइड तो फ्रेंड जो बाहरी वाली साइड होती है वहाँ पे प्लस्तर की मोटाई थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है और इसकी रेशो भी थोड़ी कम कर दी जाती है तो फ्रेंड जो बाहर वाली हमें दीवार के ऊपर प्लस्तर करना है वो कम से कम वन रेशो थ्री का सीमेंट मोटर यूज़ करना है क्योंकि फ्रेंड जो बाहर वाली साइड होती है वहाँ पर मौसम का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता रहता है रहता है क्योंकि फ्रेंड्स बाहर आप सभी को पता है कि कभी बरसात होती है और कभी धूप निकलती है जिसकी वजह से प्लस्तर पर क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फ्रेंड्स इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो जो सीमेंट मोटर की रेशो होती है वो वन रेसो थ्री रखी जाती है और जो प्लस्तर की मोटाई होती है वो हम यहाँ पर पंद्रह एम से लेकर पच्चीस एम तक रखते हैं क्योंकि फ्रेंड्स एक तो ब्रिक वर्क की दो साइड होती है जो बाहर वाली साइड होती है वो सरफेस इतना बहुत ज़्यादा रफ होता है जिसकी वजह से प्लस्तर थोड़ा ज़्यादा मोटा करना पड़ता है तो फ्रेंड्स इसीलिए जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे प्लस्तर की मोटाई थोड़ी कम रखी जाती है यहाँ पे रेशो भी हम थोड़ा बढ़ा के रख सकते हैं पैसों की बचत कर सकते बट जो बाहर वाली साइड होती है वहाँ पे हमें रेशो थोड़ा कम करके रखना पड़ता है और प्लस्तर की मोटाई भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है आप सभी ने देखा ही होगा फ्रेंड जो बाहर वाला प्लस्तर होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी झड़ने लगता है तो फ्रेंड्स यही गलती यहाँ पे कर देते जो मिस्त्री होते हैं वो जो रेशो होता है वो सेम रख देते हैं अंदर वाले जो प्लस्तर के लिए जो जो सीमेंट मोटर का यूज़ करते हैं वही बाहर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो प्लस्तर झड़ने लगता है मौसम इतना ज़्यादा इफेक्ट मौसम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने की वजह से जो प्लस्तर है वो झड़ने लगता है तो फ्रेंड्स ये तो हो गई हमारी जो दीवारों की बात की हमें दीवारों के ऊपर कितना मोटा प्लस्तर करना चाहिए तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि हम अपने जो छत में कितना मोटा प्लास्टर करना चाहिए तो फ्रेंड्स कभी कभी होता यू है कि हम अपनी जो शटरिंग कराते हैं स्लैब के लिए तो वो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दे पाती जो छत को तो फ्रेंड्स वहाँ पर भी प्लास्टर कराना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि जो रूम है अंदर से देखने में अच्छा लगे तो फ्रेंड्स जो हमारे इस लैब में प्लस्तर की मोटाई का इस्तेमाल करना है वहाँ पर आप छः एम एम से लेकर आठ एम एम तक प्लस्तर की मोटाई रख सकते हैं इससे ज़्यादा फ्रेंड्स रखने की ज़रूरत नहीं होती